उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। ज्यादा बोल रहा है, ठोक दो तेरी गाड़ी ना पीछे ना किया आगे मिलता हूं। सो फाइनली फ्रेंड्स, आफ्टर 2 मंथ आई एम अगेन बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो इस ट्रैवल के दौरान मेरे साइड में एक पैसेंजर बैठा हुआ था जो अपने जिंदगी का फर्स्ट एवर फ्लाइट का ट्रैवल कर रहा था। तो ही वॉज फीलिंग एनजाइटी, एंड जो आपका ये भाई है उसे बस ये समझा रहा था कि टेंशन लेने कोई बात नहीं, सब चंगा है। सो जो मेरा फ्लाइट था वो टर्मिनल 2 में लैंड हुआ। एंड फ्रेंड्स, दोस गाइस हु डजंट नो दैट कि दिल्ली में वैसे 3 टर्मिनल्स हैं एंड 1 और 2 है वो डोमेस्टिक फ्लाइट को मैनेज करता है, एंड जो 3 है वो डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट को भी मैनेज करता है। एंड यू नो गाइस, जो अपना दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंडिया का यानी अपने भारत का सबसे बड़ा एंड सेफेस्ट एयरपोर्ट है। फॉर दोस फ्रेंड्स जिन्हें अभी तक बोर्डिंग टर्मिनल 2 से नहीं ली है या उनकी जो फ्लाइट है टर्मिनल 2 में लैंड नहीं हुई है, इफ़ इन फ्यूचर अगर आपको टर्मिनल 2 पे जाना पड़ा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टर्मिनल नंबर 3 से ये एटलीस्ट 500 मीटर के डिस्टेंस में है, एंड देर इज़ अ वॉकिंग पाथ जो आपके लिए अवेलेबल है। आप बेझिझक एंड बिना टेंशन लेते हुए आप वॉकिंग का आनंद लेते हुए टर्मिनल 2 में जा सकते हो या आ सकते हो। सो हे व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन के बाद अपने वॉक से ब्रेक मिला है। हियर अगेन आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, मेरा बेस्टी इवन वो अपने जॉब से अपने वैकेशन में आया था, एंड उसके लगभग 1 महीने हो गए घर आते हुए। बट यू नो गाइस, जैसे हम ग्रो अप हो जाते हैं तो हमें अब टाइम नहीं मिलता अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ऐसे खुश नसीब बोलूँ या बद नसीब बोलूँ कि जो इसका जो फ्लाइट है वो कल है, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन 1 साल हो गया उसको ना मिले हुए। सो लकीली मुझे अपने वॉक से ब्रेक मिल गया है। एंड राइट नाउ आई एम हेडिंग टू माय होम। अभी हूँ मैं अभी दिल्ली, एंड फिलहाल माइक तो नहीं है मेरे पास। सो बस ऐसा जगह ढूंढना था जहाँ पे मतलब शोर सारा बना हो, बिकॉज यू नो द ऑडियो क्वालिटी सक्स विदाउट अ माइक। सो दिस स्टेज में माय वीडियो लैंडिंग हो गई, एंड मेट्रो स्टेशन में हूँ। टर्मिनल नंबर 3 में एक बात ये अच्छी है कि वहाँ पे आपको 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन अवेलेबल है, बाय कैब, बाय बस, बाय मेट्रो। आप इन 3 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन उठा सकते हो जो आपकी चॉइस हो। मेट्रो में ट्रैवल करते समय आपको जो ये फुटप्रिंट दिख रहा है इन्हें कहते हैं लाइंस। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज हर एक लाइन अलग अलग डेस्टिनेशन को कनेक्ट करता है। फॉर दिस यू कैन आस्क द लोकल्स, एंड आपके साइड में बोर्ड भी लगे हुए हैं जो आपके हेल्प करेंगे। इफ़ आप मेट्रो के 7 नंबर गेट से निकलोगे तो सीधा आप कश्मीरी गेट पे पहुंचोगे येलो लाइन को फॉलो करते हुए। इसके बाद आपके जो प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 16 में है आपको देहरादून के लिए बस मिलेंगी, और 1 और 2 में इलेक्ट्रिक बस जो कि अभी नया नया जियो ने खोला है न्यूगो का, वो बस अवेलेबल होंगे 24 घंटे। कल रात को मैं 12 बजे के आसपास आ गया था, एंड थोड़ा थकान हो गई थी तो मैंने अपने घर का वीडियो शूट नहीं किया एंड ऐसे सो गया। तो अभी मैं आज अपने दोस्त से मिलने आ रखा हूँ, एंड वो आदित्य अभी अपने बड़ी मम्मी घर गया है उस मतलब उनसे मिलने के लिए, वो आज टूडे वो आज जा रहा है। इवन आई हैव इन्फॉर्म देवेश कि हम शाम को जब वो जाएगा उसको हम सी ऑफ करेंगे आदित्य को। तो अभी फ़िलहाल बहुत टाइम हो गया कि ऐसे नहीं मिले थे, इसलिए मैं सुबह मिलने आ गया उसको। राइट नाउ आई एम वेटिंग, वो आते ही होगा। चलो ओके, शाम को मिलेंगे। ओल्ड इज गोल्ड। ब्रीड आंटी है, लासा ब्रीड है। क्या नाम है इसका? इसको टिंटी, इसका एंडी है। टिंटी एंडी रुक जा रहा इले तो ई यूज खासे तो चली छुट्टी ही है। रुक जा ए ला 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 ला। अब शाम को उसको सेव करने जाएंगे। आई एम बैक टू माय होम, एंड
आफ्टर टू आवर्स ऑफ हैविंग चिट चैट विद आदित्य, वो अपने घर के लिए चला गया बिकॉज उसको थोड़ी सी पैकिंग करनी है। एंड यू नो गाइस, आदि को ना थोड़ा सा कैमरा के आगे आना पसंद नहीं है। आई दो रिक्वेस्टेड हिम कि थोड़ा सा अपना शक्ल दिखा दे कैमरे में, बट वो माना नहीं। एंड फिलहाल अभी ये प्लान है कि शाम को अराउंड 1:30 के आसपास आई विल पिक देवेश फ्रॉम हिज होम, एंड इसके बाद हम थोड़ी देर आदि के घर जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद उसे हम सी ऑफ करेंगे। देखो इस सब गौर से, यह 112 किलो खट्टा बनता नहीं है ना, बस नहीं बोल जहर। और ये जा रहा है अपना कॉलेज, कुछ तो बोल, क्या देख रहा है? नहीं है भाई, मैं मटाने में इसको यूनिफॉर्म का। शाम के लगभग 4 बज गए, नॉट 4, 3:30 हो गए। एंड वैसे प्लान तो किया था 3 बजे जाने का, बट थोड़ा लेट हो गया, सो हो गया था। सो अभी मैं अभी दिवेश के घर जा रहा हूँ, एंड पहले दिवेश को पिकअप करूँगा। मौसम भी बहुत मस्त हो गया, बारिश हो रही है एंड ठंडी। लेट में ऑल लेट, गाड़ी की टायर की हवा भरनी थी, ऑलरेडी प्रेशर कम है एंड टाइमिंग बहुत है अभी। नाउ आई एम जस्ट प्लानिंग दैट पहले दिवेश को पिकअप करूँगा, उसके बाद फिर हवा भरेंगे, फिर आदित्य घर जाएंगे। फ़ोन भी कर लेता हूँ। म यहाँ दिवेश लिएर आउँछु त सर्भिस, म आउँदैछु के, ल ल म आउँदैछु, दिवेश लिएर आउँछु, ल ओके। अरे ट्राफिक का बुरा हाल, लेट पे और सुपर लेट करा दी हुई है ट्राफिक, साथ में ऊपर से बारिश भी हो रही है मज़ेदार वाली। पहले देहरादून में इतना ट्रैफिक नहीं था जितना अभी है, ये रोड खाली हुई करती थी ना, अभी सारे नियरेस्ट सिटी से सारे इलाके सेटल हो रहे, इसकी वजह से अभी इतना आपको रोड ना कभी खाली नहीं मिलता। इवन कल जब मैं रात को आया था एंड उस टाइम भी पूरे रोड भरी हुई थी, इमेजिन 12 बजे रात को आया था एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी शाम के 6 बज रहे हो, इतनी भीड़ थी वहाँ पर। एंड आने वाले टाइम में और भीड़ ना बढ़े। सर भाई से आप मिल चुके हैं, ये मेरा दूसरा दोस्त, सर क्लोज वाला देवेश। बॉडी दिखा। अच्छा चलो ठीक है, आज थोड़ा देर पे आओ। रिवर्स में भाई गाड़ी। अबे तो वही तो बोल रहा हूं, कैसे हटाते इसको रिवर्स से? और नो मार, वो मत दबाना। हां तो दबा नहीं रहा हूं ना, ये देख। अच्छा हां हो गया, चल। अच्छा 360 कैमरा है बोलना सारे। इसको ये उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। तीन बेस्ट फ्रेंड साथ में बैठे एंड ये मैं हूँ, इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड दिस इज माय सेकंड बेस्ट फ्रेंड देवेश। अभी किसको फोन कर रहा है कौन? हेलो गुड गुड सारंगी हो। अरे हमारे साथ साथ ना पूरी मूवी देखने लग गया आजकल, इसलिए इसको थोड़ी पता है कि सारंगी होता क्या है। लेकिन मेरे सामने मत खींचा कर भाई, अभी तेरे सामने की जरूरत साइड लगा दे, ज्यादा बोल रहा है, ठोक दो तेरी गाड़ी। चलो काफी दिन बाद संग बैठे ना, बेंच पे बैठे थे पहले पहले। बेंच में तो कभी नहीं बैठा भाई देवेश के साथ, ये तो आया था इसे खाना लेते समय। देवेश के साथ मेरे साथ कब बैठा? खाना खाने के लिए, मैं सेकंड बेंच पढ़ने के लिए नहीं थोड़ा ना, अगर तेरा खाना जो चुरा के ले आए तो वो भी मेरा इतना ज्यादा नहीं करा जितना बाकियों का करा। नहीं देवेश का तो मैंने कभी खाया नहीं, मेरा इतना नहीं। शैलेंद्र का क्या था? शैलेंद्र का तो बेचारा भी भाई, मैं रोने लग जाता था भाई, बेचारा परेशान था। कुछ सही है, बंदा कुछ एक्सेप्ट कर लेके रो रहा है तो भाई, तो है ट्रू है तो वही तो। स्पीड लिमिट है क्या इसमें? नहीं नहीं, गियर वो गियर बता रहा है कि तुझे चाप डालना होगा, एडजस्ट कर लेना। ये सही है कि एडजस्ट अभी तो लिया
पापा ने इसे रोजा की इसमें सेफ्टी फीचर ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा वार्निंग देता है। अरे भयंकर बहुत फीचर है इसमें, तभी तो परेशान होता है आदमी। गिग्स वॉकर है ना, हाथ में रख सर, अब हेड तो करना है। नहीं आराम से चला भाई, उससे चुका था कि भी चले जाए पता नहीं किससे टूट पता नहीं ध्यान नहीं दिया। तो क्या फोन लेके घूमता रहता है, कहाँ से भरेगा बाबा कहीं? अबे पंजाब पेट्रोल पंप वहीं पड़ता है। अरे रुक जाना बाबू, तीन मिनट बैठते हो, उन लोग बैठे रहो बस आराम से चुपचाप से। हाँ इधर भी तो डीजल आई ना, नहीं पेट्रोल पंप अभी रट्टे भी आता, शॉपिंग करके रट्टे भी आता। शूज लगे मम्मी के लिए, शूज लेना था मिला नहीं, तो फिर खुद के लिए ले लिया। कौन सर ऐसा मेरे ना पेट्रोल पंप हजार का डाल देखा नहीं है इधर नीचे इसका नीचे है ना साले, तू तो ऐसा कर रहा है जैसे अलग होगा, सबका एक ही होता है भाई, पहली बार कर रहा है जैसे कर रहा है मेरे को भी। अरे कितना भैया? हजार का बजट, हजार का पैसा जी। हाँ इसमें देख, ये देख ना लो प्रेशर। ये भी दरवाजा ही तोड़ेगा पैसा ऐसा है सब खुलने का घंटा पैसा। अभी ये तो रिकॉर्डिंग कैसा आदमी, ये हट जाना, देखना कितना सेंसर है उसके अंदर। बॉडी तो बना ली लौंडे ने दोबारा। हाँ पिछली बार से थोड़ा क्या बोल रही है, दबा के लगी कंपनी ने चूतिया, अचानक से बोलते सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट भेज। मैंने क्या अपना लैपटॉप अपनी गर्लफ्रेंड को दे रखा है अभी सिग्नेचर। हाँ सिग्नेचर कैसे करता लैपटॉप से? हाँ लैपटॉप से सिग्नेचर कैसे करेगा? ये क्यों आ रहा है पीछे? भाई बर रहा है वो, तो अच्छा बर लैपटॉप से सिग्नेचर कैसे करे? हाँ कर रहा हूँ भाई। चलो भाई अच्छे से आइयो, हाँ अच्छे से जाइयो, ठीक है सबसे मिल लियो। इधर आना चल चल बैठ जा भाई, इस रो मत यार, ठीक है रो मत भैया, इसको सही से ले जाना ठीक है इसको। नीचे कर ना इसको, नीचे कर भैया, झूठ बोल रहा है इसको, देखो ये रो रहा है, मत रो ठीक है मत रो यार, अगला छुट्टी फिर से आएगा। जा जा तो ओके भैया, तो फ्रेंड्स ऐसा ही है, क्या करते आज की बिजी दुनिया में दोस्त का थोड़ा मतलब टाइम वगैरह मिलना मुश्किल है, बिकॉज सारे बंदे जॉब में बिजी हो जाते हैं। फाइनली अब वो चला गया आदि, एंड चल गया, ऐसा लग रहा है सुबह हो गई। तुझे बुरा नहीं लग रहा क्या? सन किस्ड बुरा किस बात का भाई, मतलब दुख दो जा रहा है। बुरा कुछ नहीं लग रहा, हाँ ठीक है हम मिलने आएंगे, बस मिलते रहते हैं इसमें क्या। फ्रेंड्स वही है कि अब जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, बिकॉज यू नो दैट अपने फैमिली के साथ साथ अपनी जॉब। चलो आदि को सी ऑफ कर लिया नाउ, एंड देवेश को घर ड्रॉप करते, उसके बाद फिर क्या करूँगा, फिर अपने घर वापस चले जाऊँगा। talking about this Saturday or जो आने वाला Saturday, immediate Saturday इसे free नहीं है ना, लेट immediate Saturday में free हूँ भाई, तो क्या सुन रहा है? What the fuck let's कुछ plan करते हैं। So friends in the end I would like to say that like बोलो यार, actually ऐसा है ना कि you know that अब मैं अपने job की वजह थोड़ा busy हो गया था, and बीच में अपनी जो blogging थोड़ी छोड़ दी थी, एंड जैसे
सभी को पता है कि किसी भी किसी भी अबे क्या है इसको पड़ी है पीने की, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कोई हम काम करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी सही रहती है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वो जॉब या जो भी काम हम कर रहे हैं वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो वैसे अभी मुझे कल थोड़ी एजिटेशन हो रही थी वो पब्लिक एरिया में, बिकॉज आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट लॉन्ग पीरियड, एटलीस्ट 2 महीने के बाद थोड़ा ब्लॉगिंग में जा रहा था, एंड उस टाइम थोड़ा सा मैं पब्लिक एरिया में थोड़ा शाइनेस फील किया, इसकी वजह से मैं इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाया। तो जैसे अभी अपने वर्क से ब्रेक मिला मुझे, सो अब मैं अपनी इस ब्लॉगिंग को थोड़ा कंटिन्यू रखूँगा, तो धीरे धीरे थोड़ा आदत पड़ जाएगी, एंड आई विल गिव माय बेस्ट कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकूँ। वैसे आदि का जाने का दूर तो रहेगा थोड़ा सा, उसका और एक हफ्ता देखिए क्यों हंस रहा है तू, तुझे दुख लग रहा है? देख दुख क्यों होगा आदि, हंस हंस रहा है ये देख तेरे लिए भाई, वो जा रहा है अपनी जॉब के लिए तो दुख। अरे थोड़ा सा उसको टाइम नहीं मिल पाया ना हम, तो अच्छा कितने दिनों बाद मिला उससे? एक साल बाद ही। हाँ तो अब क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा ना, मैं थोड़ा फिर एक साल बाद मिलेगा। अबे तो छोड़ना, थोड़ा सा घूम ही लेते हैं। ओवर एक्टिंग कर रहा है वीडियो में ना, ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है जो भी है, सबकी अपनी मेरा ये इसको दुख नहीं लग रही है, हंस रहा है। ओके अबे भाई लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके ओके चल ठीक है, चलो कोई नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, एंड फिर कल परसों कुछ नया प्लान करेंगे क्या, वो चाहे कोई जिम का भी हो सकता है, घूमने वाला डेली ब्लॉग्स हो सकता है। तो जिस प्रकार से आप सपोर्ट करें, प्लीज़ डू कीप सपोर्टिंग, एंड ऐसे अपने दोस्तों को अपने फैमिली को थोड़ा सा बोल दे कि मतलब इस बंदे का चैनल है सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरा मोटिवेशन अप रहे एंड मैं और मेहनत करूँ आप लोग के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, मिलते हैं आपसे दिस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।